फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंगर निधि गुप्ता एंड ब्लॉग्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ जो कि सिंगिंग से रिलेट करती हैं। इन एक्सरसाइज से आपके गले में हरकतें पैदा होंगी। जिन लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो हरकतें नहीं लगा पाते हैं, ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली सभी को करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बेसिक में आती है। और इस एक्सरसाइज से आपका गला खुलेगा, आपके गले में एक हरकतें पैदा होंगी जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। आपके कोर्ड्स थोड़े से कोर्ड्स में आपके एक परिवर्तन आएगा जो कि गले में बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हरकतें बढ़ेंगी और आपको सिंगिंग करने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि सिंगिंग में जब तक हम टेक्निकल चीज़ें नहीं लगाते हैं अपने गले से तो खूबसूरती नहीं आती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिंगिंग में जो कि सिर्फ एक्सरसाइज पर निर्भर करती हैं। अगर हम रेगुलर उनको करें, कंटिन्यू करें, तो हमारा गला काफ़ी सुधार में आता है और हम अच्छा गा पाते हैं। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो स्केल है जी शार्प, ये लड़कियों के लिए होता है, और ए शार्प, ये भी लड़कियों के लिए होता है, और इसके बाद आता है सी शार्प, ये होता है लड़कों का, मतलब मेल स्केल ये होता है और फीमेल स्केल ये होता है। तो अभी मैं फीमेल स्केल पर अपनी ये एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। तो मेल एंड फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्केल देख लीजिए, जिस पर भी आप करते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे तीन ताल लगानी है, ये है तीन ताल। धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा। और इसका टेम्पो मैंने कर रखा है 105। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सारे गामा पा सारे गामा पा सारे गामा पा रे गामा पा धा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा मा पा धा नी सा मा पा धा नी सा सा नी दा पा मा सा नी दा पा मा सा नी दा पा मा नी दा पा मा गा नी दा पा मा गा नी दा पा मा गा धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा। तो ये पहली एक्सरसाइज है जिसको हमें तीन ताल पे बीट में करना है। थोड़ी सी आवाज़ कम कर देती हूँ। तो पहली एक्सरसाइज ये है, तीन ताल में इसको करना है, और मैंने तीन ताल का टेम्पो 105 रख रखा है। 105 की बीट पर मैंने ये पूरी एक्सरसाइज करी है। और इसको जब आप बोल में कर लें, मतलब सरगम में कर लें, सारे गामा पा इस टाइप से कर लें, और बहुत स्पीड आपकी अच्छे से हो जाए, इसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज करिएगा जो मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए मैंने तीन ताल का टेम्पो बढ़ा दिया है। पहली एक्सरसाइज में 105 था और अब कर दिया है 150। ये स्पीड में, द्रुत लय में, स्पीड को हम क्लासिकल में द्रुत लय बोलते हैं। द्रुत लय में करनी इसलिए ज़रूरी होती है जिससे हमारे गले में हरकतें पैदा हों। अगर आप चाहें पहले समझ में ना आए तो आप इसको स्लो कर सकते हैं, बीट सो कर सकते हैं, फिर जब 100 पे आपका कंप्लीट हो जाए तो 110 कर सकते हैं, फिर 120 कर सकते हैं, फिर 130 कर सकते हैं, फिर 140 एंड 150, फिर आप 150 भी बीट कर दें तो 160 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गले में हरकतें बढ़ाएं धीरे धीरे करके, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ नहीं आती है, मैं समझ सकती हूँ। तो सेकंड एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये भी मैं जी शार्प से बता रही हूँ जो कि फीमेल स्केल है। बॉयज़ अगर देख रहे हैं तो वो सी शार्प इसे कर सकते हैं। लेट्स गो। स
सारे गारे गामा गारे गामा पामा गारे सा सारे गारे गामा गारे गामा पामा गारे सा रे गामा गामा पामा गामा पधा पामा गारे रे गामा गामा पामा गामा पधा पामा गारे गामा पामा पधा पामा पधा नीधा पामा गा गामा पामा पधा पामा पधा नीधा पामा गा मा पधा पधा नीधा पधा नीसा नीधा पामा मा पधा पधा नीधा पधा नीसा नीधा पामा मा पधा पधा नीधा पधा नीसा नीधा पामा गामा पामा पधा पामा पधा नीधा पामा गा गामा पामा पधा पामा पधा नीधा पामा गा रे गामा गामा पामा गामा पधा पामा गारे रे गामा गामा पामा गामा पधा पामा गारे सारे गारे गामा गारे गामा पामा गारे सा सारे गारे गामा गारे गामा पामा गारे सा। सो फ्रेंड्स, ये दो एक्सरसाइज हैं द्रुत लय में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको करते हैं उसके बाद अकार में इसको करिएगा। अकार में भी मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो में बताऊंगी, बट आप अभी इसको पहले बोल में करिए और इससे डेफिनेटली मैं श्योरिटी से कहती हूँ कि आपके गले में हरकतें पैदा ज़रूर होंगी। और अगर ये आपको द्रुत लय में समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार आपको सिंपली धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ कि इसके बोल क्या हैं। देखिए, सा रे गा रे गा मा गा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा गा मा पा मा गा मा पा धा पा मा गा रे गा मा पा मा पा धा पा मा पा धा नी धा पा मा गा मा पा धा रे गा मा गा मा पा मा गा मा पा धा पा मा गा रे सा रे गा मा गा रे गा मा पा मा गा रे सा। तो ये सेकंड एक्सरसाइज द्रुत लय में जो मैंने कराई है तीन ताल में, ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और जो पहली एक्सरसाइज कराई थी उसको भी मैं थोड़ा स्लो करके दिखा देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। सिंपल है, बिल्कुल शुद्ध स्वर हैं सारे। सा रे गा मा पा, उसी को फिर स्पीड में कर देना है। सा रे गा मा पा, फिर उसको और स्पीड में करना है। सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा। रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा। गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा, मा पा धा नी सा, मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा, सा नी धा पा मा, सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा, धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे, पा मा गा रे सा, पा मा गा रे सा, पा मा गा रे सा। तो ये स्पीड तीन तरीके से बताई गई है, ये पहले स्लो, फिर थोड़ा सा स्पीड और फिर ज़्यादा स्पीड। तो इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये दोनों एक्सरसाइजेज अच्छी लगी हों, आप इसको अच्छे से समझ गए हों। और अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी अगर कोई भी चीज़ रह गई हो जो आपको समझ में ना आई हो। और इसके बाद इसी एक्सरसाइज को मैं आकार में करके सेकेंड वीडियो में दिखाऊँगी, बट तब जब आपको फर्स्ट वीडियो ये समझ में आ जाए। तो आप मेरी सभी वीडियोस को देखिए, मेरे ब्लॉग्स देखिए और मेरी जितनी भी मैं ये स्वर की वीडियोस डालती हूँ ये देखिए, ये भी आई होप आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ये सब वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्लासिकल जो एक्सरसाइजेज मैं कराती हूँ, तो मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।